हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के स्लोगन के साथ गोरखपुर न्यूज चैनल ने मतदाता जागरूकता कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत चैनल की टीम जाकर लोगों को 19 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने को प्रेरित कर रही है। रविवार को गोरखपुर न्यूज चैनल की टीम राजेंद्र नगर पहुंची और वहाँ के मोहल्लों महिलाओं से 19 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रतिष्ठित और संभ्रांत महिलाओं से कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सारे काम छोड़कर 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिससे देश में स्वच्छ और मजबूत सरकार बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिलाओं ने कहा, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि वो 19 तारीख को सुबह चाय नाश्ता करने के पहले ही घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करके सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके फिर आएं, फिर जलपान करें अपने घर पर, और ये हमारा अधिकार है और इसका जरूर उपयोग करें, अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करें। महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि वो अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें और आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करें और 19 तारीख को मतदान के लेके आए, पहले मतदान उसके बाद जलपान, और आप लोग जरूर आएं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने मतों का प्रयोग करें और अपने जो चाहती हैं उस प्रत्याशी को चुनें और अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग करें। धन्यवाद। गांव की महिलाओं को हम लोगों ने मतदान के लिए अवेयर किया और 19 तारीख को वोट देने के लिए वो जरूर निकले अपने घरों से, हर काम को छोड़ के वोट दें और अच्छी सरकार बनाएं, जातिवाद को छोड़ के और निर्भीक होके मतदान करें। हम लोगों ने महिलाओं को ये प्रेरित किया है कि मतदान के दिन हर काम छोड़ करके मतदान पहले करें, जलपान बाद में, और ये भी बताया गया है कि जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके जो उचित आपका नेता हो उनको ही वोट दें। इसके लिए महिलाओं को बार बार प्रेरित किया गया है, समझाया गया है। इस बार ये निर्णय किए कि घर का सब काम रोक करके और हम लोग जो है वोट देने समय से जरूर पहुंचेंगे और साथ में अपने आसपास की भी सभी महिलाओं को, बाकी जो भी लोग वोट देने के अधिकार में आते हैं उनको ये जरूर जागरूक करेंगे कि अपना बहुमूल्य वोट एक दिन का समय निकाल के जरूर दें और एक अच्छी सशक्त सरकार को चुने, किसी के बहकावे में ना जाए और न भीड़ देखते हुए भीड़ की तरफ बढ़ें, खुद सोचें समझें और फिर एक सरकार का निर्णय करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर जरूर करें और घर से निकलें और एक सशक्त मजबूत सरकार का निर्माण करें। 19 तारीख को गोरखपुर में मतदान होने वाला है। हम सभी भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों और महिलाओं से सभी से निवेदन करते हैं कि अपने मत का अधिकार जो है उसको संपूर्ण रूप से जाके वहाँ संपन्न करें और हर महिला हर बच्चे जो उम्र के हो चुके हैं वोट देने लायक, उनसे निवेदन है कि वो जाके वहाँ अपने मत का प्रयोग जरूर करें और नेता भी ऐसा चुनिए जो आपको, आपके देश को, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को हर तरह से आर्थिक, सामाजिक और हर तरह की उन्नति प्रदान करता हो। मेरा यही निवेदन है सब लोगों से कि हर क्षेत्र से लोग जाके अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 19 तारीख को हमारे गोरख में मतदान है तो हम सभी को मतदान का प्रयोग करना चाहिए, पहले मतदान फिर बाकी घर के सारे काम, और मतदान करते समय हमें कैसा नेता होना चाहिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, बिना किसी दबाव में देश जाति या
किसी के कहने में आके मतदान नहीं करना चाहिए। हर औरत को, महिला को भी अपने मतदान का अर्थ समझना चाहिए। ये नहीं पति ने जो कह दिया उसी को वोट देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसका अपना पर्सनल व्यू हो, जो वो समझे कि हाँ हमें किसको, कौन सा योग्य है, कौन हमारे देश की सेवा कर सकता है, हमें उसको मतदान करना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। हम सभी भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं वो सभी अपने मतदान का प्रयोग करें। मतदान प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, उसको जरूर करना चाहिए। तारीख को गोरखपुर में मतदान है और सभी लोगों से हमारी ये निवेदन है, महिला पुरुष बच्चे जो भी है जो 18 उम्र के, उनसे ये निवेदन है कि वो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और एक अच्छे सरकार को चुने। तो हमारा मतदान दिवस है, उन्हें अपने मत का सदुपयोग करें। हम शिक्षित वर्ग के लोग हैं इसलिए हम लोग तो अपनी पूरी जागरूकता के साथ सच्चे नागरिक का चुनाव करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र हित के लिए हो और देश हित के लिए हो। यह डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, 5 साल बाद फिर ये मौका हमारे पास आया है और हम लोग को, हर नागरिक को निकल के अपनी ये राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए और डेफिनेटली जाके हर आदमी से विनती है कि वो निकल के सेंसिबली सोच समझ के हर प्रेजुडिस से ऊपर उठ के अपने एक स्थानीय एक अच्छे एमपी का चुनाव करें, ऐसा जो हम लोग को सेंटर में एक मजबूत सरकार दे।